पहले खत्म कर ले, बाइक तो खत्म कर ले। अरे क्या है, हाउ आर यू, ऑल गुड? तो बेंच पे फोन चालू कर, पहुंच नहीं रहे अंदर। इतना बड़ा माइक? हाँ हाँ, ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है। हाँ सर, वही ये आप मानेंगे, मेरी पहली बार अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखूंगा, सो नर्वसनेस बहुत है। एंड राइट नाउ मैं ज़ॉम्बी स्टेट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कि ऑडियंस का रिएक्शन नहीं आएगा आई विल नॉट नो, बट आई डोंट नो, एक्साइटमेंट टू अनदर लेवल है। नहीं, रिव्यू आई थिंक सभी का मैटर करता है, चाहे वो एक्टर्स हो या नॉन एक्टर्स हो, ऑडियंस की रिव्यू मैटर करती है। एंड हमने दिल से काम किया है, हमने बहुत मेहनत से काम किया है, तो आई थिंक मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। यार एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ के यही कहेंगे कि जिस तरह से तुम अभी देख रहे हो ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला है। सर बिल्कुल शांत हैं और हम खेल थोड़े से एनर्जेटिक, सो वही मामला है। एंड आई थिंक दिस इम्बैलेंस इन पर्सनालिटी इज व्हाट ब्रिंग्स द बैलेंस इन द केमिस्ट्री। ये अपनी कामनेस जो है वो एनर्जी के साथ निकालते हो, मैं अपनी एनर्जी जो है कामनेस के साथ, कामनेस के साथ बात करता हूँ। लिखो सर, लिखो। यार ऑडियंस को लेकर होप्स तो बहुत है, बिकॉज ऑडियंस ने अब तक हर तरीके में अपना के प्यार दिया है। बस इस कोशिश को भी उतना ही प्यार दे, यही कोशिश रहेगी हमारा। थैंक यू। इधर हो गया साइलेंट, कार्य कहीं भी कर लो, तेरा फोन वहाँ नहीं आएगा क्या? लैंडलाइन पे थोड़ी मोबाइल के यहाँ जाना फटाफट। हमारे तो मुंह से आवाज ही निकल रही है। अनीता कहाँ है? ताशु कहाँ है? ताशु कहाँ है? चुप कर अनीता। अनीता कहाँ है? अनीता उधर छुपी हुई है। ए ताशु, ताशु कम है। अरे कपड़े सेम है, चल रहा है, बीच में चल रहा है। ओह सेम कपड़े, ये क्या हो गया? आगे आगे करें, अभी कैसा तारीफ करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट यू नाउ। आई नो, आई यार ये क्या, कंसीडर मी, आई एम नॉट देयर, आई हैव नो आईडिया वेयर आई एम। हाँ इनसे पूछो जो पूछना, मेरे से मुंह से आवाज नहीं निकल रही। हमने तारीफ की। आई डोंट नो, मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो, देखो ऐसा कोई छिकेगा तो मैं सुसुमा कर दूंगा, इतना मेरे को सर हो गया। तो यार आज हम हमारे पर्सनल शाहरुख खान को देखने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स होप, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। ये जो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इसके पीछे है, इस फिल्म के पीछे सारी हमारी भाईजब की फैमिली है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चला यार, ये तो फैमिली है, ये तो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, एंड उम्मीद है यही पॉजिटिव वाइब्स फ्राइडे को ऑडियंस से भी मिले। डेफिनेटली मिलेंगी, एंड वी ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स एंटरटेनिंग ऑडियंस इन द मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म पॉसिबल। तो इसमें भी हमने ऑनेस्टी से मेहनत की है, बस मेहनत रंग लाएगी। थैंक यू, थैंक यू। Yeah.
मेरा दोस्त है लेकिन दोस्ती से ज़्यादा आई थिंक आई एम अ बिगर फैन ऑफ हिज, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. आई डोंट नो व्हाई इट टुक सो लॉन्ग फॉर हिम टू कम ऑन द बिग स्क्रीन. आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड, रियली हैप्पी फॉर हिम एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म. बहुत ही इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है. जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है. एंड लाइक आई सेड के हर फ्रेम में आई थिंक ही इज़ अ डिलाइट टू वॉच, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. सो आई एम श्योर के एंड ऑल्सो आई फील के उसकी नज़र स्टोरी वाइज ही इज़ वेरी शार्प. तो आई एम श्योर बिकॉज दे ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इट, आई थिंक इट विल बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वॉच. करण से तो मैं मिलती रहती हूँ, उसके लिए मुझे कोई ओकेजन की ज़रूरत नहीं है. बट या इट्स नाइस टू मीट एवरीबडी फ्रॉम YHM. सारे एक्टर्स से मैं काफ़ी सालों बाद मिल रही हूँ, सो इट्स नाइस. आई थिंक आई वॉज हैप्पी, लाइक आई सेड के ही ऑलवेज डिजर्व टू बी इन फिल्म. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आर इंडस्ट्री हैज़ हैड. And I just hope के लोगों तक ये फिल्म पहुँचे, लोग ये फिल्म को देखें. आई एम श्योर इट बी अ गुड वॉच. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग बट आई वुडन्ट लाइक टू टॉक अबाउट इट. हाँ हाँ वो करण सर आ रहे हैं ना, तब मैं शंकर पॉसिबल आई थिंक विदाउट हर. थैंक यू सो मच. सर इधर कर लेते एक बार फिर उधर आइए. वहीं चलते जाने तो जाने जल्दी मान. Ready? And now it's a special event. Yes. Finally. Yes. मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मेरा करियर जो भी है ना, सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से मेरा जो अब तक का करियर है वो एकता ने बनाया. थैंक्स टू हर आई वुडंट हैव बीन और वी वुडंट हैव बीन वेयर वी आर. एंड इसके आगे का करियर जो है वो अब एकता और अंकिता मिलकर बनाएंगे. अंकिता बनाएगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने किसी का करियर नहीं बनाया. The boy is so talented. I'm so happy for both of them, and I'm hoping that Karan makes us proud once more. Yep. Right, means a lot that you're here. Really. Yes. Ekta being you being here. Forced me. I have quickly changed and come like. Come. Karan is very funny. Karan ne aadhe se zyada scenes mein comedy kiya hai of. ये मोहब्बत है एंड मुझे लगता है करण विल डू अ ब्रिलियंट जॉब. मैं इनफैक्ट अंदर जा रही हूँ फॉर 5 मिनट्स. श्योर श्योर कम थैंक यू. Okay.
ओहो, अब आप लोगों को देख के और ये इतनी सारी लाइट्स देख के अब मुझे मे बी यकीन हो रहा है दैट हम हमारी स्क्रीनिंग पे हैं. ये बहुत स्पेशल स्क्रीनिंग है. इट्स फॉर द कास्ट, फॉर द क्रू, फॉर ऑल आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमको हमारा साथ दिया है, हमें बहुत प्यार दिया है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी और बहुत अनरियल सरियल फीलिंग है. मुझे यकीन नहीं हो रहा है बट जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड होपिंग दैट माई मस्कारा डजंट रन ऑफ व्हेन द स्क्रीनिंग स्टार्ट्स. I really don't know because this is going to be my first. और क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है तो हर एक चीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी. भागा दौड़ी, आई थिंक आई वॉज ऑल्सो द रनर फॉर माई ओन प्रोडक्शन कंपनी बिकॉज यू नो मैं चाहती थी कि मैं हर एक चीज़ सीखूँ खुद से. सो जब इतने सारे धागों को मैंने इकट्ठा किया और एक अच्छी सी शॉल बनाई है, वो शॉल कितनी सुंदर है और उसको लोग कितना पसंद करेंगे, अब वो मुझे कुछ ही मिनटों में पता चलने वाला है. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली नर्वस. हुआ क्या कि मार्क मूवीज़ हमने ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स पहले रजिस्टर करा लिया था बिकॉज आई हैड प्लान्स टू प्रोड्यूस कॉन्टेंट. उस टाइम पे मेहर मेरी ज़िंदगी में नहीं थी और फिर मेहर आ गई एंड यू नो शी टर्न माई लाइफ अराउंड एंड माई लाइफ नाउ रिवॉल्व्स अराउंड हर. सो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का नया पड़ाव शुरू करने वाली हूँ तो मेरे इस पड़ाव में मेरी बेटी का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई उसके लोगों में मैंने उसके हैंड प्रिंट का इस्तेमाल किया है और साथ ही नॉटी मेरी ज़िंदगी का, माई लैब्राडोर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो उसका पॉ हमने रखा है. दैट्स हाउ ऑल 6 ऑफ अस, माई इन लॉज, करण, मी, ऑल्सो द इनिशियल्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड नाउ माई किड्स, ऑल ऑफ अस. सी आई डोंट नो, समहाउ ऑल ऑफ अस आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल एंड इवन इट्स वर्क आई वुड वॉन्ट पीपल हु आर क्लोज टू मी टू गिव मी दैट स्ट्रेंथ. सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड मार्क मूवीज. ओहो, ये सब हमारे पीयर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं. वी ग्रोन अप टुगेदर इन टर्म्स ऑफ यू नो एज प्रोफेशनल्स. इतनी पार्टियाँ साथ में की हैं. वी सीन लो टाइम्स टुगेदर, गुड टाइम्स टुगेदर. और ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ करण और मैं दोनों एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं प्रोफेशनली एंड ऑल ऑफ देम आर हियर एंड आर कमिंग हमारे सपोर्ट में. इट फील्स एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि हमारे पास इतने वेल विशर्स हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं जो एक वीकडे पर भी शाम को समय निकाल के हमें सपोर्ट करने के लिए गंगो के साथ आए हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल. यस एग्जैक्टली, क्योंकि दिवाली जो हमारे यहाँ होती है, पटेल्स की दिवाली, इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. और आज ऐसा लग रहा है कि हम दिवाली आज सिनेमाघर में मना रहे हैं. ये हमारी दिवाली है क्योंकि हमारी राइट नाउ यू आर टॉकिंग टू द प्रोड्यूसर हु विल नॉट बी अवेलेबल. सो सारे क्वेश्चंस आज ही पूछ लो, फिल्म रिलीज होने के बाद नहीं मिलेंगे. बस मिलेंगे, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल. दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ये फैमिली गेट टुगेदर हो रही है. फिल्म कम, फैमिली गेट टुगेदर ज़्यादा हो रही है. सच में, और बहुत बड़ा सपना था हम लोगों का जो आज पूरा हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए जब मुझे बर्थडे पे वो लेटर दिया इन बच्चों ने लाके कि मम्मी आप ये रोल आप कर रही हो, क्योंकि इस रोल के लिए आर्टिस्ट में सजेस्ट कर रही थी ये इसको ले लो, इनको ले लो, इनको बुला लो. कुछ लोगों को तो फ़ोन करके बुलाया भी. रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है क्योंकि फिल्म को जिस ढंग से हमने कहा है, जिस ढंग से एक कॉमिक टच रखते हुए एक बात कही है, एक सब्जेक्ट सामने जो लाए हैं, एक मैसेज है बहुत बड़ा जो कॉमिक वे में आप लोगों के सामने आएगा. इसलिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की डरन चूत देखिए और ज़रूर देखिए. थैंक यू. Come on the red carpet, come.
भरत। हाँ भरत, भरत का है, भरत भरत इज कमिंग। एनीबडी हियर ऑलरेडी? जगह दो भाई, स्क्वीज ही नहीं करना पड़ेगा भाई। मुझे आगे इधर, आगे पीछे, आगे पीछे। हाँ सुरेश, उधर थोड़ा, उधर शिफ्ट शिफ्ट, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, आ जा इधर, आ जा और इधर, आ जा। शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग। गाइस दिस इज आवर डरन शू टीम, दैट्स प्रतीक्षा, दैट्स अमित दुलावर, दैट्स किरण जी, हीना पांचाल, हेलो अभय जी, and I like Sanan ji, Vijay Verma ji, he's our music director, Ravinder ji, इन्होंने behind the camera, इन्होंने क्या किया, मैं कुछ पूरा मैसा पूरा खराब, पूरा खराब किया, पूरा खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया, जो भी बजट बढ़ा है मेरी वजह से बढ़ा। Litton, Litton, he's our BGM, BGM, and Lal ji, he's done our campaign, the poster designing, and that's man of the hour. भारत रत्न, जिनको ऑलरेडी भारत रत्न मिल गया है, एंड दैट इज मिस्टर सुरेश आर डीओपी, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल नाइट फॉर ऑल ऑफ अस, वी ड्रीम्ड ऑफ दिस फॉर मंथ्स टुगेदर, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल कुड बी टुगेदर ऑन दिस रेड कार्पेट। चलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हूज कमिंग? हां डन फॉर नाउ, थैंक यू। विषय प्रधान फिल्म है डरन छू, हमारे जीवन में अगर हमारी गति मति या प्रगति को अगर कुछ रोकता है तो वो हमारा डर ही होता है, तो हर किस्म के फियर के ऊपर हमने इसमें काम किया हुआ है, तो फियर से कैसे सामना करना और उससे निपटना कैसे है, तो एक ऐसे मनोरंजक तरीके से हमने बहुत हल्के फुल्के तरीके से ये फिल्म बनाई है, आवश्यक फिल्म है, तो देखिएगा। जी हमारे किरदार का नाम है जुगाड़ू, और जो इसमें करण का किरदार है उसका नाम है मानव, तो इसको अगर आप उपमा के तरीके से देखें तो मानव के अंदर अगर जुगाड़ करने की क्षमता आ जाए तो फिर वो ज़िंदगी में किसी भी किस्म के डर को छू कर सकता है। हम और आप रोज़ मैं ही नहीं, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सब कहीं ना कहीं जुगाड़ का एक्चुअल मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि आप उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ हों, स्थितियाँ हों, या किसी भी किस्म के व्यक्ति हों, या कोई पर्सनैलिटी हो जो आपके सामने आती है, या एटमॉस्फेयर हो, आप उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आप एडजस्ट करने की, जुगाड़ करने में अगर आप महारत दें तो आप देखेंगे कि आप हर कहीं सुखी रहेंगे। देखिए किसी भी किस्म का कोई भी माध्यम होता हो, चाहे वो सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, थिएटर हो या OTT हो, ये सिर्फ आपकी कला के परिष्कार और आपकी कला के विस्तार के माध्यम होते हैं, किसी माध्यम के आने से कोई दूसरा माध्यम अफेक्टेड नहीं होता है, और वही मेरा मानना है कि सिनेमा सिनेमा रहेगा, OTT रहेगा, टेलीविज़न टेलीविज़न रहेगा, और थिएटर जहाँ पे लोग व्यक्तिगत रूप से थिएटर हॉल में जाते हैं और नाटक देखते हैं, तो नाटक भी आज भी चलते हैं। आपने आज तक
इसमें एक एक्टर के रूप में हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपनी टोनल क्वालिटी तक और सारी की सारी चीज़ों में एक परिवर्तन किया है। और वैसे भी मैं लगातार अपने हर किरदार में कोई ना कोई प्रयोग करता रहता हूँ, तो ये बिल्कुल अलग किस्म का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमेडी का पुट है, तो ये अगर देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे अभी तक आप प्रेम करते रहें, स्नेह करते रहें, वैसे ही आपका प्रेम और स्नेह हमारे ऊपर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। ये सिनेमा देखें, अच्छा प्रयास है। ये
ये हमें पता था पहले से मानने के लिए थे इतना हमारा है रिलेशन बहुत ज्यादा कि हमें चुपचाप चुपचाप खबरें मिली इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस बट हम वेट कर रहे थे कि कब मूवी आएगी और हम देखेंगे एंड यू ऑल विल एंजॉय सो प्लीज गो इन योर नियरेस्ट सिनेमास एंड वॉच इट शो योर लव करण जू शो योर लव थैंक यू ओके तो ये गाने में मेन गाना जो भन्नाट छोकरी है वो मैंने किया है ये गाना माय नेम इज़ हीना पंचाल और ओब्वियसली आप सभी ने गाना देखा है इतना सेंसेशन बन चुका है वो गाना भन्नाट गाना सो आई वुड आई ब्लेस दिस मूवी विद लॉट ऑफ सक्सेस एंड एंड इट रीचेज अ हाइट बिकॉज मैंने देखा है जो हिसाब से करण ने मेहनत की है मूवी में और एक एक, 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 एक क्या बोलते हैं एक पर्पस है ये मूवी का कि आजकल सुसाइड्स जो होते हैं सुसाइड क्यों नहीं होने चाहिए वो पर्पस है ये मूवी का सो या दैट्स द रीज़न दिस मूवी शुड बी हिट एंड ऑल द बेस्ट कंग्रेचुलेशंस करें ओके ऐसे तो मैंने काफ़ी बार देखा है बट या दिस गाना हैज गिवन अ लिटिल लॉन्ग क्या बोलते हैं एक अच्छा खासा मुझे रेज दिया है तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड सुपर एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ करण इट्सेल्फ इज़ अ वेरी फ्रेंडली जॉनर पर्सनैलिटी सो ऑब्वियसली हमारा दो दिन का कनेक्शन था दो दिन का गाना था बहुत फ्रेंडली वे में हमारा बॉन्ड रहा या इट वॉज अ वेरी गुड कूल डूड टाइप था बिग बॉस के बारे में मैंने ए टाइम पर सुना है कुछ अलग है अतरंगी है सो आई थिंक देखते बट आई एम नॉट अ बिग बॉस गर्ल दो मैंने बिग बॉस किया है बट मैं फ़ैन नहीं हूँ बिग बॉस की और इतना ही बोलूँगी देखते भाई ये टाइम पे क्या तहलका मचाता है बिग बॉस मेरा नीचे से एक मेरे जी डायरेक्टर की कहानी तो अभी तक पता नहीं मैं अभी जाके फिल्म देखूंगा बट आई एम वेरी हैप्पी मेरा दोस्त करण है इसमें एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने भी अपनी हिंदी फिल्म का डेब्यू किया है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिज वर्क एज वेल बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे टैलेंटेड लोग आ रहे हैं सब मिलके फिल्म्स कर रहे हैं एंड और ये माहौल आई मीन आप देख सकते हैं कि सब इतना खुश हैं सब वेट कर रहे हैं फिल्म के लिए एंड अगेन आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम वेल सुखी की रिस्पांस बहुत अच्छी रही है एंड बहुत प्यार मिला है मुझे गुरु के कैरेक्टर के लिए एंड मैं सभी दर्शकों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने पिक्चर को देखा और सराहा और अप्रिशिएट भी बहुत किया अब देखते हैं जो स्क्रिप्ट सामने आएगी और जैसा काम सामने आएगा एंड डेफिनेटली हर एक रोल को मैं एक मतलब एक चैलेंज की तरह लेता हूँ आई वॉन्ट टू डू मेनी मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड अभी आगे आगे देखिए होता है क्या अभी तक मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ वेट कर रहा हूँ सही स्क्रिप्ट के लिए जैसे अच्छी स्क्रिप्ट आएगी आप लोगों को पता ही चल जाएगा आई जस्ट वॉन्ट से के थैंक यू फॉर एवरीथिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन स्क्रीन फॉर सो मेनी ईयर्स और सुखी के लिए सुखी में हमें देखने के लिए आई वॉन्ट से थैंक यू बहुत ही एक्साइटेड हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है करण भाई की फिल्म आ रही है और माय वेरी क्लोज फ्रेंड दीक्षा हैज़ कोरियोग्राफ्ड ऑल द सॉन्ग्स फॉर द फिल्म एंड बेसिकली शी हैज़ बीन डायरेक्टिंग माय म्यूजिक वीडियोस आल्सो सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ करण शो I
आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग जॉनर भी है कॉमेडी, बिकॉज बहुत लाइट हार्टेड होता है. हमारे लाइफ में अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, भाग दौड़ होती है, तो अच्छी कॉमेडी फिल्म इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. खबरें क्या है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं भाई. एंड रिसेंटली ऋषिकेश में मैं उनसे मिला भी था व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट एंड आई वाज शूटिंग फॉर अ सॉन्ग देयर. सो व्हाट एवर ही इज डूइंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गाइस कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज या ये फिल्म एक्चुअली टाइटल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. डर एंड छूत सीम्स सो लाइक हॉररिश, बट इट्स सो कॉमेडी बाय द पोस्टर. सो आई लाइक द ऑक्सीमोरॉन ऑफ इट दैट इट्स बोथ हॉरर एंड कॉमेडी. आई एम थिंकिंग, बट आई थिंक इट्स गोना बी मोर ऑफ कॉमेडी एंड आशुतोष सर इज देयर, करण पटेल ऑफ कोर्स, इट्स गोना बी ऑसम. यार आई तो लव स्नेक्स, कॉकरोचेस, बीटल्स, इगुआनास, मुझे किसी से डर नहीं लगता. बट हाँ स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर से मुझे बहुत डर लगता है. स्पाइडर दिख जाएगा कहीं पे भी आई विल बी लाइक डर एंड छू, बाकी किसी चीज़ में नहीं. So my music video is coming up, which is gonna portray the dark side of love, how girls need to be careful in this society. So stay tuned for that, and thank you again. Nice meeting you. Hello, see you guys. Take care, na, Mike. Bolo. Wait, I think you should ask them that how was it to actually design the entire look of the film, because these are the stylists and of the film. How to handle Karan Patel. Karan Patel to make him look like Manav. That's the correct story. No, so I mean, Anu and Nidhi will tell more about it, because obviously, congratulations for your film debut though. Thank you. Please tell them that how easy or difficult it is to dress up Karan Patel. It's a beautiful film. Everybody should watch it. I would say all the best to Mark Movies, Ankita, Karan, everyone here, Uncle also for that matter. You all should go and watch it. It's a beautiful family film. Bahut kuch naya hai. It's fun, it's family, it's comedy, there's a lot of humor, it's quite exciting. Hamare hisab se bahut sare banaye. Sabka pehla hai. I think more than records, we were doing a podcast with Ashutosh ji, Karan and Ankita just the other day, and we were talking about this only. He said a very nice thing that आप अगर उनकी पुरानी फिल्म को भी याद रखें, उनके जो पुराने सीन्स हैं आशुतोष जी के, वो आज तक हमारे जहन में हैं. सो मोर देन एनी थिंग एल्स इट इज़ अबाउट फिल्म आपको यादगार रहती है. टुडे इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. द फिल्म टॉक्स अबाउट अ गाय जो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाह रहा है, और वो क्या होता है, क्या होता नहीं है, कैसे खत्म होता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे कि ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वी हैव अ फिल्म व्हिच इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो जिंदगी से हार गया है, अपने डर से लड़ रहा है और डर को छू करना चाह रहा है. बुला रहे इसको. मैं ये सब नहीं करता. ओके, मानव डजंट वांट टू कम. Done. So yeah, so that's it. Thank Looking you. Looking forward. And all the best to Ankita for yes, she turning was producer. It's her debut yes. Too. Yes, yes. As a producer, Mark Movies. Yes, so you all must watch. And Karan, because I think City of Gold में लोगों ने सिर्फ glimpses देखे हैं of Karan as an actor. Correct. But people don't know how brilliant he is. So I think we'll all 13th October के बाद we'll all know that. And all the best. All the best. All the best. Chalo. Thank you. बेबी आ गया.
क्या हाल है? यस यस तो धन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको शुभकामनाएं देंगे आप दोस्तों के फिल्म के लिए? ही इज अ ब्रदर टू मी, करण पटेल एंड अंकिता, सो तो फैमिली की बात है बिल्कुल. और मेरी शुभकामनाएं ये ना बड़ी फ्रिवलेस जो है बात हो जाती है, जैसे हम सबके लिए बोलते हैं, मैं दिल से उसके लिए बोलता हूँ. दैट आई रियली होप दैट द फिल्म डज एक्सट्रीमली वेल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म टू डू वेरी वेरी वेल. आई नो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जाते हैं, बहुत पावरफुल इंटेंट जाता है, बहुत फेथ जाता है जब इस तरीके की एक पिक्चर जो है बनाई जाती है. एंड माई प्रेयर्स एंड माई सपोर्ट एंड माई लव इज ऑलवेज विद हिम, ही नोज दैट. बहुत अच्छा लगता है, इट्स ब्यूटिफुल दैट यू नो दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी ऑन द बिग स्क्रीन, एंड बहुत अच्छा लग रहा है देखकर. अनदर वीक वील टॉक, अनदर वन वीक, एक हफ्ते में बात करते हैं. एक हफ्ते में बात, बस यार बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं, जो शोज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें भी, जिनमें हम काम कर रहे हैं उनमें भी, जिसकी शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू. हाँ यार ये सारे करंट्स जो हैं फलते फूलते रहे बस. आपको बताया? उन्होंने मुझे नहीं बताया अब तक. आई डोंट नो. सो बट इफ एट ऑल इट्स ट्रू, दे हैव माय लव एंड माय बेस्ट विशेस ऑलवेज. जी. अब देखिए मुझे इन दोनों का पता नहीं वेदर और नॉट दे आर गोइंग, लाइक आई सेड, वो बिग बॉस में जाएं या स्मॉल बॉस में जाएं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी उनके साथ. Bharat is a dear friend, and right from the time it was going to start, we got to know a lot of things about it, and bahut excited hu to watch it. Well, I like more of the dark movies or comedy movies, so it's like the extremes. I do like, but then if you ask me which one do I prefer, it would be comedy or dark. There is always this thing that I'm on an extreme height, and you know, अचानक से मुझे सपना आता मैं नीचे गिर रही हूँ, तो मुझे एक हाइट का फोबिया है, सो उस डर को मैं छू करना चाहती हूँ. Well, firstly, all the best to Bharat, and guys, please watch this movie. It's going to be a family, a complete family drama, and it's going to be fun. Thank you. Can you imagine?
कब 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 बहुत ही फनी लगा मुझे कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली जब मैंने ट्रेलर देखा तो आई थॉट इट्स वेरी फनी एंड ऑल माय विशेस आर विद द होल फैमिली द भार्गवा फैमिली द पटेल फैमिली बिकॉज वी बीन वेरी क्लोज टू देयर हिज मदर इन लॉ किरण जी शी वॉज प्लेइंग अर्दिता इन द शो एंड आई वुडंट मिस इट फॉर द वर्ल्ड एंड आई एम रियली हियर टू गिव ऑल माय लव एंड हैप्पीनेस और मैं अपनी माँ को भी साथ में लेके आया हूँ गुड लक के लिए और अपने दोस्त को भी So we are here and we're hoping to have a good time. We're excited to see the movie also. Papa. मैंने बोला पापा नहीं पापा को देख के जैसे पापा से तो डरते थे ही कृष्णा पर यह है कि पापा को देखकर एकदम से भूख भूख को उल्टा सीधा पकड़ कर रखने का था इसकी आदत बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी जब भी मेरे पिताजी मेरे कमरे में आते थे तो मैं चाहे कुछ भी कर रहा होता छोड़ के मैं अपने हाथ में किताब लेता था और एक बार तो उल्टी पकड़ी हुई थी किताब मैंने कहते क्या कर रहे हैं मतलब पढ़ाई तो नहीं अब वो डरन छू से प्यार छू हो गया तो या एज एन एक्टर मैं कहना चाहूँगा कि गाइज कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य कुछ नए टर्न्स आने वाले हैं कुमकुम में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं बहुत ही अद्भुत और ख़तरनाक ट्विस्ट आने वाले हैं तो आप सब देखिए क्योंकि हमें वो काम करने में मज़ा आ रहा है जो आपको देखने में मज़ा आ रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस प्लीज़ कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य एंड डेफिनेटली वॉच धरन छू आर वेरी गुड लुकिंग करण पटेल जी इज़ देयर सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट हाँ अभी वेरी रिसेंटली झलक दिखलाजा के लिए मुझे पूछा गया था जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा ऑफर था मुझे बहुत अच्छा लगा बट ऑब्वियसली आई एम बिजी विथ कुमकुम भाग्य सो आई हैव टू से नो बट इन फ्यूचर डेफिनेटली क्यों नहीं आई वुड लव टू डू स्पेशली झलक बिकॉज आई लव डांसिंग मुझे लगता है मैं सारी पार्टियों में डांस निकाल दूंगा मंच पे क्या करूँगा सो या दैट एंड या देखते व्हाट गॉड हैज़ फॉर मी आई विल जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो आई एम सो सॉरी आई डोंट फॉलो बिग बॉस आई ओलो आई ओनली सी थिंग्स ऊपर ऊपर से और ये बता दें शी फॉलोज बिग बॉस अ लॉट बट दीस डेज आई एम आल्सो नॉट फॉलोइंग हाँ सो शी डज एंड जो भी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं ये मुझे आके दिखा देती है बता देती है बट नॉट रियली थैंक यू सो मच चलो यहाँ से यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आई एम हियर टू गिव हिम ऑल द लव एंड लक पॉसिबल आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद हिम एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज मेकिंग दिस बिग लीप टू द बिग स्क्रीन सो आई वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द लव पॉसिबल यस उसी बहाने हमारा रियूनियन हो जाएगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक ऑल ऑफ अस आफ्टर कोविड स्पेशली हैव बीन मिसिंग ईच अदर अ लॉट बिकॉज आवर शो एंडेड एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ व्हेन कोविड स्टार्टेड सो यस इसी बहाने आज हम सब पॉपकॉर्न और समोसे खा के पुरानी बातों को याद करेंगे बस आप लोग सब ऐसे ही मेरी प्रेमियर के लिए एक दिन आएंगे और वो दिन ज़रूर आएगा That means papa और बेटी same रास्ते पे हैं but papa आगे निकल लिए क्योंकि वो papa हैं So that's it. I know I can't talk about it. मेरी मतलब बातें चलती रहती हैं but you know how the industry is. Things take time. But yes, so many conversations. It's a conscious kind of a break where you know I want to do good work and that's why I've been hopeful and patient and let's see hope for the best. खतोगे क्या मुझे लगता है वो बहुत डेयरिंग है रियल लाइफ में एंड रियल लाइफ में भी सो आई वांट टू बी श्योर ऑल द वेरी बेस्ट आई थिंक मेरे बस की तो बात नहीं है अगर हम ऑन स्क्रीन बात करें तो उनकी ऑन स्क्रीन बेटी इज़ अ फट्टू आई वुडंट बी एबल टू बट चीयर्स टू बोथ ऑफ देम करण भैया एंड दिव्यांका दीदी बोथ हैव अ लॉट ऑफ लाइक गट्स टू डू ऑल ऑफ दिस
yes. I feel like we gave him over the interview with you. I'm getting deja vu vibes. Okay, bye guys. Thank you. अरे क्या हो गया